पंकज भैया, दोस्ती इस समय में निभाना बहुत बड़ी बात होती है। एक रिटायरमेंट लेते हैं 9:07:29 पे, आधे घंटे बाद सुरेश रैना बोलते हैं कि भाई भाई मैं आपकी इस जर्नी के साथ में जुड़ रहा हूँ। वो दोस्त आना, सुरेश रैना के साथ में आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली, धोनी से ज़्यादा खेली, आप दोनों यूपी से, लेकिन आप राजस्थान से आपने क्रिकेट खेली बहुत मिली। तो सुरेश रैना किस तरह देखते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी कौन कि लंबे समय से टीम से बाहर थे, एमएसके के साथ से जो भी हुआ कि मैंने परफॉर्म किया मुझे नहीं लिया, सुरेश रैना का रिटायरमेंट इस स्टेज पे किस तरह से? नहीं, मैंने अभी कहा कि किसी भी खिलाड़ी का रिटायरमेंट हमेशा निर्णय नहीं लेना होता है कि वो कितना ओवर खेलना चाहते हैं और किस जगह पर खेलना चाहता है। कई बार कई जगह आपकी फॉर्म होती है, कई बार अंदर से टीम खत्म हो जाती है, कई बार होता है कि यार आप इतना कोशिश कर रहे हो, डिसहार्टन होते हो, तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप क्यों रिटायरमेंट किसने किस रीज़न से लिया। खाली एक रीज़न नहीं हो सकता किसी भी खिलाड़ी का रिटायरमेंट, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि उनका फॉर्म बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही ख़राब क्रिकेट खेल रहा, उनका क्रिकेट खत्म था, इनको नहीं लिया। अभी टीम लास्ट वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद से नहीं खेला, खुद नहीं खेला, एक साल से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कहना मुश्किल है। और किसी के लिए रिटायरमेंट कोई नहीं देता है। हाँ, साथ रिटायरमेंट ना समझ में आता है कि भाई आपके बहुत चल रहे हैं, माइक हो सकता है कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या IPL के बाद डिसाइड कर रहे हैं रिटायरमेंट की, और इन्होंने रिटायरमेंट किया, तो जो इमोशंस होते हैं उस पर आप भी आई थिंक कंट्रोल कर पाए और आदमी को डिसीजन साथ में कर लिए। जिस तरह से बोलते हैं उनकी बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल अलग बॉन्डिंग होती है। लेकिन आपका कभी भी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट देखा है, सिलेक्शन और ये सब, तो इस समय में आप क्या मानते हैं सेलेक्टर्स को सवाल उठाना, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, करुण नायर 300 रन सवाल उठाए सेलेक्टर पे, कई बार शेष है तो भी सवाल उठता है, और कई बार होता है चीज निकलती है मन में कि यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँ, जैसे आप हाईएस्ट विकेट टेकर रणजी में पहले उस नंबर, जैसा भी IPL में जो भी प्रोग्रेशन रहा, कभी मन से होता है यार सिलेक्शन में हो गया मेरा, कोई सुरेश रैना चाहते हैं। देखिए, ऑब्वियस मैंने कहा ना, कई रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं, और ये कह देना कि अभी इस रीज़न से रिटायरमेंट हो या क्रिकेट छोड़ दो वो भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनकी रन शो को बहुत लंबे समय तक किया, या IPL में बहुत अच्छा किया, या बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैच में अंडर किया, उसके बाद कुछ इंडिया पास विकेट लिए, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि कई बार कंडीशंस, टीम सिचुएशन, कॉम्बिनेशन, सेलेक्टर्स की आपके प्रति सोच के, आपके उनके जो गोल है, उनका जो एम है, उसके फिटिंग होते हैं नहीं होते हो, जैसे कि सहवाग का हरभजन सिंह ने मीडिया में भी बोला, इवन गौतम गंभीर ने बोला कि कैप्टन की जो स्ट्रेटजी थी उसमें फिटिंग नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया जब हम जा रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कह पाना खाली कि सिलेक्टर रीज़न है या सिलेक्शन नहीं होना ही रीज़न है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। कई बार आपकी डेस्टिनी होती है कि जैसे जो ये कह रहा था सचिन तेंदुलकर का, या अभी हम बात करें जिस तरह भी ओपनर में रोहित खेल रहे हैं या टीम मेंबर पर विराट खेलते हैं, तो जो प्लेयर इस नंबर पर खेल रहे हैं जिसमें उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी टाइम प्लेट है, लेकिन जो धोनी की जगह पर खेलते थे वो भी विकेट कीपर्स थे, अगर आप देखो पिछले 10-15 साल तो इनके कीपर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज धोनी की रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बात शायद दिनेश कार्तिक ने बोली थी कि हम खराब खेले जब भी धोनी को मौका मिला, अगर हम अच्छा खेलते धोनी को मौका नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम खराब खेले या कोई और खराब खेला, ये भी उसका कई बार अगला कोई बहुत अच्छा खेल जाए, बयान था वो, हर व्यक्ति का अपना तरीका है उस चीज़ों को कहने का, ये भी कह सकते हो कि हम खराब खेले, ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे फॉर्म में रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप भाई एक गिलास आधा भराया था या आधा खा लिया, आपके ऊपर निर्भर करता है आप लेना कैसे चाहते हैं। एक होता था कि रहना है ना, अब आप रहना की जगह कौन है ना, आप देख आपने सब, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि शायद करंट टीम और पुरानी टीम सबसे आपने किया रहना जो आप कह रहे हैं धोनी के लिए क्या है, वो क्यों हुआ जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल, 5 साल ऐसे मैचेस जिताए हैं उन बीच में, जो मैचेस शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करें जीत सकते, ऐसी जब परफॉर्मेंस आनी स्टार्ट होगी तो अपने आप कोई ना कोई नाम अपने आप आपको दे देगा, जो उसकी लाइनिंग स्टार्ट होगी। धोनी के लिए आपने कहला कि क्या कि कोई रिप्लेसमेंट सोनू से सुरेश रैना बने, उनका उनके लिए भी आपका ये कहना कोई रिप्लेसमेंट नहीं, हर खिलाड़ी अपनी जगह यूनिक होता है, जिस तरह से रैना ने अपना एक आगरा उसका देखिए हर तरह के फॉर्म में शो किया हुआ है, नाइस स्टोन है, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर IPL में उनकी टेक्निक हुई, जिस पर कई मैचेज में शॉर्ट फॉर्म में मिली, उनके जो फील्डिंग का उनका तरीका रहा है, कई बैटिंग साथ जितनी हुई उनके जरिए से फील्डिंग की हुई, उनका अगर पर्सनल नंबर जितना होती है मतलब बहुत जॉली मूड के दिखते हैं, तो सारी चीज़ें एक खिलाड़ी में खाली एक चीज़ नहीं होती है, अगर आप अपनी खेल कंपेयर करें तो फिर भी आसान है, खिलाड़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ती हैं, वो सारा चीज़ मिला पाना एक प्लेयर के अंदर एक जैसा ढूंढना और भी मुश्किल है, डुप्लीकेट होता वो नहीं होता, इसलिए रिप्लेसमेंट में नहीं मानता, हाँ और भी खिलाड़ी आएंगे जो उनकी खुद की यूनिकनेस के साथ अपना नाम अपनी सक्सेस बनाएंगे।
आपके साथ पकड़ के कई फास्ट बॉलर्स थे, वरुण एरोन, युवराज सहवाग, ईश्वर पांडे, आप भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन, तो अब का जो फास्ट बॉलिंग का पैटर्न है जसप्रीत बुमराह जो भी है ऑलराउंडर का, अगर हार्दिक पांडे का नाम लूं तो इस तरह से क्या देखते टीम इंडिया को जो अभी का हाल का मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज बेस्ट है? ठीक है, खेल फास्ट बॉलिंग में बात करते हैं तो साल से बहुत अच्छी और आने वाले टाइम और अच्छी होती है। जब एक कॉम्पिटिशन जिस तरह से आप देखें कि एकदम से इंडियन फास्ट बॉलिंग कम कर दी, सालों बहुत सारे बोले साथ हैं, जैसे आपने नाम खुद गिना दिए इतने सारे, अब उसमें कौन किस लेवल पर सस्टेन करता है, कौन किस लेवल पर कैसी परफॉर्मेंस करता है, खुद का नाम कितना बड़ा करता है, कितने समय तक सस्टेन करता है, वो उनको लेजेंडरी उस पीरियड पर ले जाए। ऑब्वियसली इंडियन फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, इसके समय बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे ग्रुप में ग्रुप में उनके पास फूल है और मैं समझता हूँ आगे भी और चीज़ें अच्छी आएंगी। एक आखिरी सवाल पूछते आपसे, अब आप टेस्ट प्लेयर, आईपीएल प्लेयर, वनडे प्लेयर, आपने भी सारे फॉर्मेट कोई फॉर्मेट छोड़ा है, अब आप कुछ इंडिकेशन देना चाहिए अपने फैंस को कि अब आगे क्या करना है? मैं इस साल तो खेलता हूँ, इस साल तो मैं कौन कौन से खेलूँगा प्रोफेशनल, फिर उसके बाद देखते हैं सीजन में आउट। और जो पीएस क्रिकेट एकेडमी है जो पोस्ट कोविड के बाद में शुरू हुई थी, उसके मेजर्स आप ले रहे हैं? देखिए देखिए, मेजर्स आपको फॉलो करने हैं, कोशिश ये करनी है कि जो भी मैक्सिमम कोशिश की जाए कि कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं आए और कंटिन्यूटी ये बना के रखें। और दूसरा ये भी है कि अगर आप अगर सोचो कि आप ग्राउंड पे नहीं आओ या आप चीज़ों से फ्री हो जाओ तो ज़िंदगी रोक देना भी मुमकिन नहीं है, और बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं चीज़ें शुरुआत करनी है और अपने को प्रिकॉशन से वो लेके अपने आप को भी और खेल को और बाकी चीज़ों को भी आगे भेज रहे लेके आना, तो वही कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें उनका सेफ्टी एस्पेक्ट से उनको उनका ध्यान रखें, खिलाड़ी कोशिश करते हैं फिर अवेयर रहे और कोशिश पूरी होगी बाकी होपफुल साइड से अच्छी है। थैंक यू सो मच पंकज भैया, और कोविड के चलते हम नमस्ते करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। तो पंकज भैया थे जो इस साल आपको रणजी खेलते हुए दिखेंगे पॉडिचेरी से, और धोनी और सुरेश रैना को लेकर खुलकर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पंकज सिंह के बारे में आप सोचते हैं, थैंक यू सो मच।